वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं, मतलब गले में चोकर टाइप्स कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं वो कपड़ा ले लिया है, जिसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। देखो, जो ऐसे कपड़ा लिया नॉर्मल सा छोटा सा, और मैंने उसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसमें सिलाई मार रही हूँ, और सिलाई मार के मैं इसको क्या करूँगी, पलट दूंगी, ठीक है। तो आधी सिलाई मैंने यहाँ पर मार दी है, अब मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी लेस बन गई है, देखो मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है, थोड़ा दिख रहा है धागा, पर कोई बात नहीं, वैसे आ जाएगा। अब हम इस पर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर मिरर ले रही हूँ, छोटे बहुत छोटे छोटे, तो इनसे हम डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं मिरर छाट लेती हूँ, थोड़े मेरे पास मिरर है, इसमें से जो भी मुझे अच्छा लगेगा वाला मिरर ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इस मिरर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, तो इस मिरर का यूज़ कर लेते हैं। और इन दोनों मिरर का हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इस पर हम, मैं ये जो मिरर है, मैं कुछ ऐसे इनको लगाना चाहती हूँ, एक चोकड़ का स्टाइल देना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर, मैं मिरर के जो साइड है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा उसका कलर, उसको मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैक पेंट से कलर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इससे ब्लैक कलर से इसको कलर कर लिया है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे इनको लगाऊंगी यहाँ पर। इससे पहले हम इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, तो मैंने कुछ ऐसे इसको डेकोरेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं औरों को डेकोरेट करती हूँ, इसके लिए भी मैं नॉर्मल ये ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इन ऐसे कर लिया है, और इसमें भी साइड से मैंने लगा दिया है इसको भी ऐसे, और ये बीच का सेंटर का। और इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मैंने कलर इसमें लगा रखे हैं वो निकल जा रहे हैं। तो एक बार मैं इसमें फेविकॉल की कोडिंग करके देखती हूँ, क्या पता क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैंने इसमें फेविकॉल और क्या बोलते हैं थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला दिया है, और उसकी कोडिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कोडिंग हो चुकी है, देखो एक बार मैंने फेविकॉल से कोडिंग कर दी है, थोड़ा सा बच गया, रुकना, यहाँ पर बच गई थी। तो फेविकॉल से एक बार कोडिंग कर दी है मैंने, ठीक है। तो एक अच्छा सा लुक आ गया इसमें थोड़ा। तो अब हम इसको सजाते हैं, ठीक है। तो सजाने के लिए सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा सुई पे धागा, और इसको सिलना पड़ेगा। कुछ ऐसे मैंने इस पर इसको क्या कर दिया, सिल दिया है, तो टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इनको मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया, अब मैं इसको यहाँ पर सिल दूंगी। सिलना थोड़ा आसान होता है, और चीज़ में तो बहुत टफ लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरे अच्छे से वो कर लिया है, वेस्ट मटेरियल से सारी चीज़ें बनाना चाहिए हमने। अगर आपके पास चीज़ें नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वेस्ट मटेरियल से अच्छा बनता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे इनको सिल दे रही हूँ, देखते हैं लास्ट में कैसा वो आता है।
कुछ ऐसे इनको अरेंज कर लिया है, थोड़े से हमारे जो एक्स्ट्रा ब्लीड्स आ रहे हैं उनको हम काट देंगे, क्योंकि धागे से अगर हम जब वो जोड़ रहे थे तो ये थोड़े खिंच गए थे ना मुझसे, तो हम इनको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, और अच्छा सा शेप इनको दे देंगे टेप। तो यहाँ पर हमारा ये माल, ये क्या बोलते हैं, चोकर टाइप माला बन के रेडी है। ठीक है, आप इसमें, मैं ऐसा प्रिफर करूँगी, यहाँ पर आप नेल पेंट हो तो वो लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कलर से तो ना ही करो, करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कलर से बहुत ज़्यादा वो गंदा हो जा रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ इसको बनाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।